जो 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर रोड बनना चाहिए था उसको ये बीजेपी की सरकार 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर बनाते है, 21 गुना खर्चा करती है, जनता के ऊपर बोझ वो डलता है। हरियाणा सरकार ना रोजगार दे पाई, ना लोगों को सुरक्षा दे पाई, केवल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सांप्रदायिक हिंसा के जरिए ध्रुवीकरण करना चाहते थे, परंतु हरियाणा की जनता ने इनको पहचान लिया, बुरी तरीके से इनको नकार दिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला वो अलग चल रहे हैं, हालांकि अलग पार्टी का मैटर है, आपकी पार्टी का नहीं है, लेकिन आप भी राजनीति नेता हैं, किस तरह देखते हैं, हुड्डा जी अलग कार्यक्रम करते हैं। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता जी बने हुए हैं, और आइए सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, लगातार जो है जनता के बीच जा रहे हैं, आज क्या कुछ विषय? हरियाणा की जनता बिजली से परेशान है। हरियाणा में 6-6, 8-8 घंटे का बिजली का कट लग रहा है, 5-5 साल लाइन में लगने के बाद ट्यूबवेल का कनेक्शन मिल नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के अंदर बिजली आंदोलन छेड़ रखा है। हम दिल्ली के और पंजाब के जीरो बिजली बिल लेके हर घर के अंदर जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है, बिना इन्वर्टर, बिना जनरेटर और फ्री है। पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली और फ्री है, ट्यूबवेल की बिजली भी फ्री है। हरियाणा में कई कई घंटे का कट है, ट्यूबवेल का कनेक्शन 5-5 साल तक नहीं मिलता। हरियाणा सरकार इस महंगे बिजली के बिल दे रही है। अगर दिल्ली में और पंजाब में फ्री बिजली मिल सकती है तो हरियाणा वालों का भी हक है कि यहाँ भी फ्री बिजली मिलनी चाहिए। फ्री बिजली देने के बाद भी दिल्ली सरकार 8,100 करोड़ रुपए साल के कमाती है, पंजाब सरकार ने भी 40,000 रुपए पुराना कर्जा खत्म किया, उतारा है। हरियाणा सरकार कुछ फ्री नहीं देती और 50,000 करोड़ रुपए सालाना घाटा है। ना इनके हॉस्पिटल अच्छे, ना स्कूल अच्छे, ना बिजली, ना पानी, ना बच्चों को रोजगार, केवल और केवल भ्रष्टाचार। सर, क्या फ्री वाला कार्ड ही खेला जाएगा जिस तरह दिल्ली और पंजाब में खेला, क्योंकि पब्लिक पे ही कहीं ना कहीं बोझ पड़ता है अगर फ्री चीजें होती। आप मुझे बताओ पब्लिक पे बोझ कैसे पड़ा? हरियाणा ना अच्छे स्कूल दे रहा, ना अच्छी चिकित्सा दे रहा है। ये सरकार का काम है कि किसका काम है? सरकार का काम है। बिजली पानी देना सरकार का काम है, 24 घंटे दे रहा। हम सब कुछ फ्री दे के भी 8,100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। टैक्स तो हरियाणा का आदमी भी उतने दे रहा है, पंजाब का आदमी भी उतने दे रहा है, दिल्ली का आदमी भी उतने दे रहा है। पंजाब भी सब कुछ फ्री दे के 40,000 करोड़ पुराना कर्जा उतार रही है, हरियाणा कुछ फ्री नहीं देता और 50,000 करोड़ रुपए सालाना घाटा करते हैं। जनता के ऊपर बोझ तो ये डाल रहे हैं अपने भ्रष्टाचार का। जो 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर रोड बनना चाहिए था उसको ये बीजेपी की सरकार 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर बनाते हैं, 21 गुना खर्चा करती है, जनता के ऊपर बोझ वो डलता है। सर, किस तरह देखते हैं नू इन समय, हालांकि शांति बहाल लगातार हो रही है, आरोपियों पर लगातार कार्रवाई भी कर रही है पुलिस, अभी बिट्टू बजरंगी को भी गिरफ्तार किया, अन्य आरोपी है जो भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, किस तरह देखते हैं? हरियाणा सरकार कानून व्यवस्था मेंटेन करने में पूरी तरीके से फेल हुई है। हरियाणा सरकार ना रोजगार दे पाई, ना लोगों को सुरक्षा दे पाई, केवल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सांप्रदायिक हिंसा के जरिए ध्रुवीकरण करना चाहते थे, परंतु हरियाणा की जनता ने इनको पहचान लिया, बुरी तरीके से इनको नकार दिया। अब कानून के रास्ते कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का। क्या कहना चाहेंगे सर, कांग्रेस लगातार, चाहे शैलजा जी हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, अलग चल रहे हैं, हालांकि अलग पार्टी का मैटर है, आपकी पार्टी का नहीं है, लेकिन आप भी राजनीति नेता हैं, किस तरह देखते हैं, हुड्डा जी अलग कार्यक्रम करते हैं? देखिए, वो टुकड़ों में बटे हुए, उनका तो कारण वही बता सकते हैं, परंतु आम आदमी पार्टी अपना संगठन का निर्माण कर रही है, आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है और पूरी मुस्तैदी के साथ ये बिजली आंदोलन को आगे बढ़ा रही है। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता जी, तमाम विषयों पे जो है उन्होंने हरियाणा तक से खास बातचीत की। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल।